हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है थर्सडे और अभी 7:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं 7:30 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और हाँ, मेरा चैनल का नाम फूडीज फंडा था, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, फूडीज फंडा था। तो जब से मैंने ब्लॉग डालना शुरू किया तो मैं सोच रही थी चैनल का नाम चेंज करूँ, तो अभी मैंने उसे फूडीज फंडा एंड लाइफस्टाइल बना दिया। तो आप कन्फ्यूज मत होइए, मेरा ही चैनल है और फूडीज फंडा से मैंने फूडीज फंडा एंड लाइफस्टाइल बना दिया। और आज मैंने लंच पे बनाया था एक बिरयानी, एकदम सिंपल वे में बनाया, घर में जैसे बनाते वैसे। और मैंने केसर डालना मैं भूल गई थी, मैंने सोचा था डालूंगी, पर वैसे जैसे मैंने बनाया वैसे आप लोग बना के खा सकते हैं। मेरा मम्मी बोल रही थी कि एक बिरयानी खाना है तो मैंने आज बनाया है, तो मम्मी को पसंद आया है। और अभी 7:30 बज रहे हैं, मैं अभी अपना चाय पी रही हूँ। तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वो रेसिपी है, तो आप लोग जाइए देख के आइए कि मैंने अंडा बिरयानी कैसे एकदम सिंपल वे में बनाया है। तो सबसे पहले मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है, उसमें मैं खड़ा मसाला डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाला है लौंग और अभी मैं डाल रही हूँ इलायची, एक दालचीनी, कुछ ब्लैक पेपर, एक तेज पत्ता और थोड़ी सी मैं घी डालूंगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी यूज़ किया था, वो मैंने शूट करना भूल गई थी तो मैं अब ढक के रख दिया मैंने। और यहाँ पर मैं मसाले का पेस्ट बनाऊंगी, तो मसाले पेस्ट बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, 10 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 मिर्ची और टमाटर और 1 इंच अदरक। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया है, मैंने चावल को डाल दिया है, चावल को 90% कुक करना है। और साइड में मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ, आलू को मैंने पहले बॉईल कर लिया था तो उसे अभी तेल में फ्राई कर रही हूँ हल्दी और नमक के साथ। तो आलू मेरा फ्राई हो चुका है, अभी मैं अंडे को फ्राई कर लूँगी। अंडा भी मैंने बॉईल करके हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट कर लिया था। तो अंडा भी यहाँ पर फ्राई हो चुका है तो मैं इसे निकाल दे रही हूँ तेल से। और अभी इस गरम तेल में मैं थोड़ा सा बेरिस्ता बना लूंगी, यानी फ्राइड अनियन। तो अनियन एकदम मैंने पतला पतला चॉप कर लिया था तो उसे थोड़ा सा मैं तेल में फ्राई कर लूंगी। और बेरिस्ता एकदम पेशेंसली फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो वो काला बन जाता है। तो ऑनियन मेरा फ्राई हो चुका है, मैं इसे निकाल दे रही हूँ तेल से। तो उसी तेल में मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। और साथ में मसाले का पेस्ट डाल दे रही हूँ। साथ में यहाँ पर रेगुलर मसाले डाल दूंगी। तो मैंने पहले डाला है नमक। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, यह है रेड चिल्ली पाउडर और यह है कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। साथ में मैंने थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर दिया है।
तो इसे अच्छे से मसाले के साथ भून लूंगी। मसाले जितना भुनेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मसाला मेरा अच्छे से भून गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और इसमें अंडे डाल दूंगी। मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है ताकि अंडे के साथ मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप चाहे तो यहाँ पर आलू भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पर मैं अलग से ऐड करूंगी लेयरिंग के वक्त। मैं चिकन बिरयानी बनाने से भी आलू बाद में ही ऐड करती हूँ। थोड़ी देर मैं इसे ढक के पकाऊंगी। तो देखिए पानी सूख गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैस को हाई फ्लेम पे रख के फिर ऑफ कर दूंगी। तो अभी टाइम हो गया है लेयरिंग का। तो सबसे पहले मैं जिस पतीले में मैंने राइस बनाया था उसी में थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। अगर आप घी लगाना ना चाहे तो तेज पत्ता लगा सकते हैं, मैंने पहले चिकन बिरयानी में दिखाया था। तो यहाँ पर मैं आधा राइस डाल रही हूँ और आधा बाद में डालूंगी। 3 लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास बासमती राइस बनाया है। तो यहाँ पर मैं ऊपर से अंडे डाल रही हूँ। चिकन बिरयानी बनाते वक्त मैंने बीच में बिरयानी मसाला डाल दिया था, पता नहीं मैंने शूट करना क्यों भूल गई थी मैं। तो आप बिरयानी मसाला डाल दीजिएगा और ऊपर से मैं बाकी के राइस डाल रही हूँ। जब मैं हर बड़े में बनाती हूँ कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। मैंने दूध में केसर भिगो के रखा था, वो भी मैं डालना भूल गई थी। तो ऊपर से मैं देखिए आलू डाल रही हूँ। आलू के बिना बिरयानी मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से फ्राइड अनियन। ये लेयरिंग करना मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। थोड़ी सी चीनी, अगर आपको मीठा मीठा ना पसंद हो तो चीनी स्किप कर सकते हैं। और थोड़ी सी नमक, क्योंकि नमक कम भी हो सकता है। और थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता यूज़ कर रही हूँ। चिकन बिरयानी बनाने से मैं धनिया पत्ता पुदीना पत्ता कुछ यूज़ नहीं करती, पर ये एक बिरयानी है ना तो उसमें स्मेल ज़्यादा नहीं होता। तो ऊपर से मैंने देखा आपने बिरयानी एसेंस डाला है थोड़ा सा, अगर आपके घर में ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर है तो रोज़ वाटर केवड़ा वाटर कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर पतीला रख दिया, ऊपर से भारी एक मैंने मसाले का कूटने का ये रख दिया। तो देखिए बिरयानी रेडी है। ये मेरा मम्मी का प्लेट है, क्योंकि मम्मी रायता नहीं खाती तो मैंने अलग से थोड़ा सा सलाद बना दिया मम्मी को और हम लोग खाएंगे रायते के साथ। तो देखिए देखने में कैसा लग रहा है। তো বলো আজকে যে এগ বিরিয়ানিটা খেলে কেমন লাগলো? বেশ ভালোই লাগলো। সব সময় তো চিকেন বিরিয়ানি খেয়ে এসেছি, এগ বিরিয়ানি কখনো খাইনি, আজকে খেয়েছি, বেশ ভালো লাগলো। ঠিক আছে, বাই বাই করো। और यहाँ पर मम्मी डिनर के लिए दाल चला रही है। तो ये मसूर का दाल है, आज पतला सा दाल बनेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने दूध चढ़ाया था, मैंने बस चढ़ाया था तभी फट गया। और ऊपर से पता नहीं आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, एकदम लग रहा है कि कोई रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आजकल तो डर ही लग रहा है दूध कैसे पीऊँ मैं। क्या आप लोगों के यहाँ पर भी ऐसा होता है? देखिए कितना कैसा डर लग रहा है देखने में, कैसे पीऊँ मैं। तो देखा आप लोगों ने एक बिरयानी का रेसिपी, मैंने एकदम सिंपल में वे में बनाया है, तो आपने देखा होगा। एक्चुअली मेरा भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया था, अगर तुम अंडा बिरयानी बनाओ तो प्लीज़ वीडियो करना, क्योंकि मम्मी यहाँ पर है तो वहाँ पर पापा और भाई है, तो वो लोग खाना बनाने में उतना एक्सपर्ट है नहीं, तो अंडा होने से अंडा करी और राइस बना लेते हैं। तो इसलिए मुझे कहा कि अगर अंडा बिरयानी बनाओ तो दिखाना ज़रूर, तो वो ट्राई करेगा मेरा भाई। तो ये रेसिपी मेरा भाई के लिए ही था।
और दोपहर को हमने बिरयानी खत्म कर लिया। अभी रात को से बस सिंपल सा मसूर का दाल बनाएगी मम्मी, और साथ में आलू का चोखा और बैंगन फ्राई। तो आज का डिनर हमारा ऐसा ही चलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।